सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। प्रेम और मनोज दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी 3:2 है। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? प्रेम को क्या की जाएगी? सैलरी पे की जाएगी 2500 पर मंथ। तो अगर 2500 पर मंथ पे की जाएगी तो 12 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30,000। ठीक है, अगर हम बात करें मनोज की, मनोज को क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा 10,000 पर ईयर। तो मतलब मनोज को कितने दिए जाएंगे? 10,000 दिए जाएंगे। और बात करें अगर प्रेम की तो प्रेम को कितने दिए जाएंगे? 30,000 दिए जाएंगे साल के। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर 5% अलाउड किया जाएगा और अगर वो ड्राइंग करेंगे तो उनके ऊपर 6% चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रेम के द्वारा जो ड्राइंग की गई थी 1250 है और मनोज के द्वारा जो ड्राइंग की गई थी वो 450 है। कैपिटल लगा रखी थी 2 लाख और 1.5 लाख। अगर हम बात करें ये कैपिटल क्या थी? फिक्स थी एंड वर फिक्स। तो कैपिटल अगर फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। फर्म ने अर्न कितना किया? 90,575 प्रॉफिट। दे रखा है 31 मार्च 2016 को। तो पहले तो हम दो अकाउंट बना लेते हैं, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था और ये क्या बना लिया हमने? करंट अकाउंट। किसके बीच में? प्रेम और मनोज, प्रेम और मनोज। ठीक है जी, तो सबसे फर्स्ट क्या है इनकी कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? बाय बैलेंस बी डी कितना था यहाँ पर? 2 लाख और ये कितना था? 1.5 लाख। ठीक है ना, बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं है, सेम कैपिटल रहनी है। तो क्या आ जाएगा? ये 2 लाख और ये कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। और ऐसे यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा? 2 लाख और ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ करना ही नहीं है, सारी जो ट्रांजेक्शन करनी है वो किसमें रिकॉर्ड करनी है? करंट अकाउंट में। यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बी डी, और करंट अकाउंट का हमें बैलेंस दिया नहीं तो खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, हमारे को क्या देनी है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक सैलरी देनी है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी है? ये प्रेम को देनी है और मनोज को देनी है। कितनी देनी है? 5%। कैपिटल कितने लगा रखे हैं उन्होंने? 2 लाख। तो बनने कितने हैं इनके? 10,000। और सेकंड की बात करें तो इनने कितनी लगाई है? 1.5 लाख। तो इसके कितने पड़ेंगे? 7,500। तो ये कितने हो जाएंगे? 17,500 इनकी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 10,000 इसके खाते में आ जाएंगे प्रेम के और 7,500 किसके खाते में आ जाएंगे? ये मनोज के खाते में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? सैलरी देनी है। किसको देनी है? ये प्रेम को देनी है। टू क्या लिखें? प्रेम, करंट अकाउंट। ठीक है ना, क्या है ये? सैलरी कितनी है ये? 30,000। और यहाँ क्या लिख दो? बाय सैलरी। ठीक है ना, प्रेम को देनी है कितनी? 30,000। मनोज को देनी नहीं है। अगर हम बात करें मनोज को क्या देना है? कमीशन देना है 10,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2M करंट अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कमीशन कितना? मनोज को देना है 10,000। ठीक है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्या कहता है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे को कितना दे रखा है फर्म का? 90,575। अगर हम बात करें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किससे? प्रेम से और मनोज से। प्रेम का कितना है इंटरेस्ट दे रखा है? 1250। और अगर मनोज की बात करें तो कितना दे रखा है? 425। दोनों की कैलकुलेशन करो तो कितना आ जाएगा ये? 5,5 और 5 और 2 7 और 4 और 2 6 और ये 1। ठीक है ना, 1675। अगर हम बात करें यहाँ चार्ज कर लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे? प्रेम से। कितना है? 1250
और अगर हम मनोज की बात करें तो कितना है, 425, ये हम दे चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैपिटल ट्रीट कर चुके हैं, कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो किस रेशियो में, 3:2 में। तो भाई आपका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था आपका 90,575, और इसके अंदर प्लस कितना हुआ, 1,675, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया ये, 92,250, 92,250। इसमें से माइनस कितना करोगे, 17,500 माइनस क्या करोगे, 3,000, और ये 3,000 नहीं है, 10,000, 30,000 माइनस कितना करोगे, 40,000। और अगर 40,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 34,750, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, किसके में, पी में, प्रेम के और मनोज के अकाउंट में, ठीक है ना। किस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:2 में। तो आपके पास अमाउंट कितना बच गया, 34,750, और इसको डिवाइड कितने से करोगे, 5 से। तो हर हिस्से में कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें 6,950, और ये कितने हैं, दो हिस्से में डाल लो, दो हिस्से में डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13,900, ये इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 13,900, साथ के साथ यहाँ डाल दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 13,900, ठीक है। अब कितना था आपका, 6,909.50, ठीक है। इसको कितने से करोगे, मल्टीप्लाई करोगे अब 3 से, × 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 20,850, और ये कितना आ जाएगा, 20,850। अब क्या करो, ये कैलकुलेशन हो चुकी है, अब इसका टोटल करो, ये कितना आ जाएगा आपका, 7,500 प्लस 10,000, और ये कितना हो जाता है, 23,900। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 31,400, ये कितना आ जाएगा, 31,400। अब 31,400 में से क्या माइनस करना है आपको, ये करना है आपको, माइनस करना है 425। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 30,975, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा एम के लिए, मनोज के लिए, बैलेंस सी डी टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, जो हम आगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेम की, तो 10,000 प्लस 30,000, ये कितना हो जाता है, 40, 40 प्लस 20, 60,850, 60,850। अगर 68,850 में से 1,250 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 59,600। तो हमारा ये क्या बन जाता है, बैलेंस सीडी, जो प्रेम के लिए और मनोज के लिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।